नमस्कार, स्वागत है आपका हेवर्स 5000 हौसले की उड़ान में। हमारे बिजनेस आइडियाज की एक खोज ले आई है हमको, अरे बले बले, पंजाब में। पंजाब जाना जाता है अपने लहलहाते सरसों के खेतों के लिए, गोल्डन टेंपल के लिए, और हाँ, अपने मस्त मिजाज के लिए, भांगड़ा के लिए भाई। तो हम अपनी खोज शुरू करते हैं पंजाब के मोहाली से। मिलते हैं मोहाली के जजेस से। आज हमारे पहले जज हैं महेश महाजन, एमडी सीएम ऑटो सेल्स। हमारे दूसरे जज हैं संजीव जुनेजा, एमडी केश किंग। हमारे तीसरे और आखिरी जज हैं विवेक कपूर, एमडी जुपिटर एक्वालाइंस। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं एंड आई एम श्योर दैट आई विल गेट सिलेक्टेड। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा बिजनेस सिलेक्ट होगा आगे के लिए। मुझे काफ़ी नर्वसनेस फील हो रही है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अपने बिजनेस आइडिया को लेकर। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरे के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा, सो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ। लोकेटअप में वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ क्राउड सोर्स डेटाबेस ऑफ लोकेशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैपिंग प्लेटफॉर्म्स एड्रेस। सो डेवलपिंग कंट्रीज में एड्रेस ढूंढना एक अपने आप में एक मुश्किल है। अगर कन्वेंशनली आप देखें, जब भी हम किसी से एड्रेस शेयर करते हैं तो पहले हम एड्रेस देते हैं, अपनी डायरेक्शंस बताते हैं, लैंडमार्क्स बताते हैं और डिस्क्रिप्शन देते हैं बिल्डिंग की, मेरा घर येलो वाला है, और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देते हैं कि इनकेस फिर भी अगर आप गुम हो जाओ तो आप मुझे कॉल करना। सो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें अपना एड्रेस गूगल मैप्स में ऐड कर दें हम। सपोज़ आपने मेरे को क्राउड सोर्स दे दिया, मैं जाकर उसमें अपना घर का एड्रेस डाल दूंगा, देन उसको आप लिंक कैसे करेंगे मैप्स के साथ? हम लोगों ने एक ऐप बनाई है, वो ऐप आपको बताएगी कि आपकी करंट लोकेशन यहाँ पे है। ओके, ऑल द बेस्ट। मैंने अपना ये बिजनेस प्रपोजल जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ रियली वेरी इनोवेटिव आइडिया। तो जो आपके बिजनेस में जो रेवेन्यू मॉडल बनाया आपने, तो आप क्या चार्ज करेंगे स्कूल को? सर स्टार्टिंग में तो मैं 5000 पर सेशन करूँगी। Thank you. All the best. Thank you. Okay, sir. Wish you all the best. Judges का reaction भी really very, it was really awesome. और मेरे लिए that was the positive feedback. I presented this idea judges के सामने और judges को idea बहुत अच्छा लगा। मेरा जो basic concept है वो dairy के बारे में सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी dairy की बात कर रहा हूँ जिसमें दूध के अलावा सब कुछ होता है। मैं हार नहीं मानूंगा। चलिए ठीक है, पर हौसला नहीं टूटेगा। गुड़गांव और हिसार के बाद मोहाली में पहुंच गए हैं सुरेंद्र शिवहरे, जिनका मानना है कि जिंदगी में वो कभी हार नहीं मानेंगे। इस प्रोग्राम में आप यहाँ पे पहली बार आए हैं कि कहीं और भी आपने? नहीं, ये तीसरी बार आया हूँ सर मैं। तो कॉन्फिडेंस नहीं है क्या आपके? इस प्रोग्राम की वजह से मुझे अपने वीक पॉइंट पता चले। कैसे, कोई बताइए। मैं आपको बताता हूँ, पहली बार जब मैं आया था तो मेरे पास आंकड़े कमजोर थे, मैं हवा में गोली मार रहा था। अच्छा। तो जजेस ने साफ बोल दिया कि आपके आंकड़े कमजोर हैं, आप रियल आंकड़ा प्रस्तुत करिए। पर मेरे मन में फितूर था, मैं उसी से मैं वापस हो जाता। लेकिन मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था जाने के लिए वापस कानपुर, मैंने सोचा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सामने नागपुर की ट्रेन देखी तो मैं उसी में बैठ गया। फिर मैं नागपुर गया, नागपुर की गौशाला में जहाँ ये वैज्ञानिक काम कर रहे हैं जिन्होंने पेटेंट किया है, उनसे मिला। उनसे मैंने कहा भैया आप अपना पेटेंट दे दीजिए, मैं वहाँ सबूत दिखाना चाहता हूँ कि ये वैज्ञानिक है। मैं दरअसल ये चाहता हूँ कि 10 से 15-20 गाँव के बीच में एक छोटी सी गौशाला खोलूँ। उस गौशाला में मैं उन गाँव वालों से वो गाय मांगूँगा जो दूध नहीं देती है। मैं उनसे कहूंगा कि भाई आप अपने गाय, वो जो जानवर दूध नहीं देता है, वो आप हमको दे दो, हम उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, पालेंगे, जब वो दूध देने लग जाएगी तो हम उसको वापस कर देंगे। जो गाय हमारे पास रहेगी हम उनके गोमूत्र को और गोबर को कलेक्ट करेंगे। जब हम गोमूत्र को संधारित करते हैं तो उसमें वो तो निकल जाता है वाष्पीकृत होकर के, लेकिन गोमूत्र का खोवा बचता है। खोवे के बारे में बता रहा हूँ कि 10 लीटर में जो है लगभग 250 ग्राम खोवा निकलता है।
और ये जो 250 ग्राम खोआ है, अगर हम हिसाब लगाएं अपने जो जितना हमारे पास गोमूत्र निकल रहा है, तो लगभग आपका ये 375 किलो खोआ हमको महीने में प्राप्त होगा। ये अगर आप किसी दवाई बनाने वाली उसको सीधे आप देते हैं तो ये 500 रुपये किलो के हिसाब से बिक जाता है, पहली बात। लेकिन अगर आप पैकिंग करके देते हैं तो ये जस्ट डबल हो जाता है। अगर आप अपनी दवाई बना करके शुद्ध खुद बेचें तो ये जस्ट डबल हो जाता है। किस दवाई में काम आता है ये सर? गोमूत्र, इसकी जो दवाइयाँ बनती है ये उदर विकार की संबंधित दवाइयाँ बनती हैं, और इससे जो है लगभग 108 तरह की अलग अलग दवाइयाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन में डलता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन है। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इस बार इंटरव्यू गया, हो सकता है कि आगे कुछ बात बन जाए। कंटेस्टेंट्स के बिजनेस आइडियाज के बाद अब वक्त आ गया है जजेस के लिए मोहाली से फाइनलिस्ट चुनने का। सो मिस्टर विवेक और मिस्टर महेश और मेरी, हम सब की राय में मिस्टर सुरेंद्र शिवहर मोहाली से फाइनलिस्ट हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनका कॉन्सेप्ट हमें सब, हम सबको बहुत अच्छा लगा। हौसला जैसे हो आसमां से बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद। अनबिलीवेबल सर, अनबिलीवेबल, आई कांट बिलीव दैट। आप मजाक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सच में। वाकई में ये बात सही है कि अगर अगर until you are success, try again, then कैसे नहीं मिलेगी, सीधी बात। ये प्रूव हो गया आज सही में। Yes, I have won. पुणे, I come. सलाम है सुरेंद्र शिवहरि के हौसले की उड़ान को, जो उन्हें गुड़गांव में सफल न होने के बाद भी दोबारा हम तक ले आए हिसार में, और वहां भी न चुने जाने पर उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्हें अपने सपनों को हौसला मिला मोहाली में। ऐसे ही जज्बे की तलाश में हमारा सफर चलता है, चलता है, चलता है, चलता रहेगा। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक बनता है। मुझे 100% विजन लॉस है, मैं देख नहीं सकती, और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी टीम है 25 आरजेस की, हम मिलकर एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। वेलकम बैक। मोहाली के बाद अब हम रुख करते हैं पंजाब के एक और शहर की ओर, जिसका नाम है रंग बिरंगा लुधियाना। Hayward's 5000 हौसले की उड़ान में आप सबका स्वागत है। चंडीगढ़ कंटेस्टेंट्स के बिजनेस आइडियाज को सुनने के बाद हम पहुंच गए हैं सतलज किनारे बसे शहर लुधियाना में, जो कि पंजाब का इंडस्ट्रियल हब भी माना जाता है। मिलते हैं लुधियाना के जजेस से। आज हमारे पहले जज हैं रविंद्र अरोड़ा, जीएम इंडिया आवेडा होटल्स। हमारे दूसरे जज हैं राजेश मढोक, एमडी जॉली फार्मास्यूटिकल्स। और हमारे तीसरे जज हैं आनंद गुप्ता, एमडी रिनॉक्स। अगला ऑडिशन मेरा बहुत बढ़िया लग रहा है, ते एक नवा बिजनेस आइडिया लेके मैं अंदर चले हैं। अब मैं अपना आइडिया प्रेजेंट करूंगा, थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट हाँ, इट्स गुड, लेट्स होप कि अच्छा लगता है जिसको। बहुत नर्वसनेस हो रही है एक्चुअली, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और हमें उम्मीद है कि हम नेक्स्ट लेवल के लिए ज़रूर सिलेक्ट होंगे। अभी मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला है, हौसले पूरे बुलंद हैं। आई एम हेयर टू प्रेजेंट एक्वापोनिक्स, एक्वापोनिक्स इंटीग्रेशन ऑफ फिश एंड क्रॉप्स। ये अर्बन फार्मिंग एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, जो फार्मिंग के लिए जो नेक्स्ट आ चुका है दुनिया में, और अब ये फ्यूचर है फार्मिंग का। आपका खुद का इसमें प्रैक्टिकल तजुर्बा क्या है, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस बिहाइंड दैट? नहीं, मेरे टेक्निकल जो हेड हैं जो मेरे साथ आए हैं, उनका तजुर्बा है ये सारा। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आज ट्रक सुविधा टीम की तरफ से अपना आइडिया जो ऑनलाइन ट्रक बुकिंग का है वो आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ। बेसिकली आज तक अभी ये रनिंग है, 10 महीने हो चुके हैं इसको चलते हुए, और हम हफ्ते में 500 से ज़्यादा बुकिंग कर लेते हैं ट्रक्स की,
और अब लेके चलता हूँ मैं आपको कि क्या कर रहे हैं हम। ट्रक सुविधा एक नई सुबह की तरह है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन को ऑनलाइन बुक करने का एक मीडियम प्रदान करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, मैन्युफैक्चरर को, ट्रांसपोर्टर को, या जो भी बंदा जो ट्रांसपोर्ट बुक करना चाहता है, बेसिकली ट्रक बुक करना चाहता है, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल, एक जगह से दूसरी जगह के लिए। कस्टमर आता है वेबसाइट पर, उनको लॉग इन मिला हुआ है, 7 सिंपल क्वेश्चन के वो आंसर देते हैं, उसके बाद उनका लोड पोस्ट हो जाता है, जो कि लोड बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, एडवर्टाइज करते हैं हम लोड्स, और यहाँ से ट्रांसपोर्टर डायरेक्टली देख के उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो यूज़र्स हैं वो जो रेट्स हैं वो ऑनलाइन देख सकते हैं जब आप बुक करते हैं? कोटेशन मॉडल पे है ये, दो तरीके से चलता है, कुछ यूज़र्स हैं जो कोटेशन मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते हैं। यूज़र को या ट्रक ड्राइवर को इस सर्विस को यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम आई है जो आप आगे सॉल्व करने जाते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूज़र्स को अभी भी आ रही है जो ट्रक ड्राइवर्स के प्रस्पेक्ट से है, वो ये है कि बॉस मेरे को आपने मैसेज तो दे दिया, सारी चीज़ें तो दे दी, लेकिन अब मैं इसे पढ़ना नहीं आता मुझे। करेक्ट। अब आपको जो पैसा मिलेगा इन द फंडिंग यू आर लुकिंग फॉर, वो आपने कैसा यूज़ करना है? सर सबसे पहले तो मेरे को जो लैंग्वेज लेके आनी है वो सब सारी लैंग्वेजेस लेके आनी है। तो कितने लोग हैं आपकी टीम में अभी? मेरे पास टोटल अगर मैं बात करता हूँ सारी डेवलपमेंट मार्केटिंग के कस्टमर के, टोटल 19 बंदे हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। एक्सेलेंट यार, वेरी गुड, ग्रेट। ऑडिशन बहुत अच्छा रहा, जजेस के काफ़ी सारी क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को मैंने आंसर किया अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ कि हाँ इस बार हम जीतेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एंड आई एम लुकिंग, आई हैव पॉजिटिव व्यूज फॉर द फ्यूचर। हेवर्ड्स 5000 हौसले की उड़ान की टीम मिली एक ऐसे कंटेस्टेंट से जिसका जज्बा देख के हमें यकीन हो गया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हमें आगे बढ़ते रहना है। मेरा नाम ज्योति मलिक है, मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मुझे 100% विजन लॉस है, मैं देख नहीं सकती, और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी टीम है 25 आरजेस की, हम मिलकर एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। इस रेडियो स्टेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, सभी को विजन की प्रॉब्लम है, तो हमने मिलकर सबने अपनी मेहनत से सबने अपना कंट्रीब्यूशन देकर इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। radioudan.com पर इस रेडियो को सुना जा सकता है। हमारा जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या क्या चीज़ें फ्रेम आउट करेंगे, डैट इज़ वर्चुअल कोचिंग क्लासेस विल बी देयर। इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर सेंटर्स होंगे रूरल एरियाज में, जहाँ पे हम लाइव सेशंस टीचर्स के प्रोवाइड करेंगे विद लाइव डाउट सेशंस, एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट प्लेस विल बी गेटिंग द कोचिंग्स, बट टीचर्स विल बी एट देयर ऑन लोकेशंस, दे वुडेंट बी एट वन प्लेस, वो अलग अलग जगहों से अपनी कोचिंग्स देंगे। इस तरह से हम जो बेस्ट टीचर्स हैं, जो बेस्ट कोचर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, जिन जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें हम कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। उसमें आप 3G इंट्रैक्शन रखेंगे? 3G इंट्रैक्शन रखेंगे हम, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर दिस आइडिया इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड, थैंक यू। और अब वक्त आ गया है जानने का कि कौन जीतेगा लुधियाना से। आज हमने बहुत सारे कंटेस्टेंट से मुलाकात करी जिसने अपने अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ दिए, और फाइनली हम तीनों इस निष्कर्ष पे पहुँचे, द फाइनल डिसीजन इज, बहुत सोचने के बाद ईशु बंसल, जो कि एक नए कंसेप्ट के साथ आए जो आगे शेयर करेंगे, हम उनको पुणे की तरफ लेके जा रहे हैं। इट्स रियली ऑसम, इट्स मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। यस, ट्रिप्स विद द फॉनेट। लो भाई, लुधियाना में हमें अपना फाइनलिस्ट मिल गया, अब सांस लेने दीजिए, कारवां आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है ना। अमृतसर के फाइनलिस्ट जो आज हमने अप्रूव किए हैं, उनमें से सबसे पहला नाम है। वेल
वेलकम बैक टू हेवर्स 5000 हौसले की उड़ान, जिसमें हमारी कोशिश जारी है भारत के छोटे शहरों से एक ऐसे बिजनेस आइडिया को खोजने की जो जीत पाए हमारे शो का पुणे फाइनल्स और जिसे मिलेगा 15 लाख रुपए की फंडिंग। इसी खोज को आगे बढ़ाते हैं और पहुंच जाते हैं, चलिए अमृतसर। पहुंच गए गुरु की धरती अमृतसर में, एक ऐसे संभावित एंटरप्रेन्योर की खोज में जो अपनी खुद की बिजनेस शुरू करने के लिए पुणे ग्रैंड फिनाले में 15 लाख रुपए की फंडिंग जीतने की उम्मीद कर सकता है। अब मिलते हैं अमृतसर के जजेस से। हमारे पहले जज हैं अनुराग वशिष्ठ, एमडी स्पियन मीडिया एनालिस्ट। हमारे दूसरे जज हैं अशोक सेठी, एमडी उत्तम एडवर्टाइजिंग। हाय, मेरा नाम पंकज है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपना आइडिया आपने ये जजेस के सामने प्रेजेंट करने के लिए। थोड़ी नर्वसनेस भी है बट मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि मैं उनको सही तरह से समझा पाऊँगा एंड आशा करता हूँ कि उनको वो आइडिया अच्छा लगेगा। मैं बहुत एक्साइटिंग फील कर रहा हूँ, बहुत पैशनेट हूँ उस चीज़ के लिए, देखता हूँ जाकर क्या होता है। अब मेरा नंबर आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कोशिश करूँगा अपने जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। राइट नाउ वी आर फीलिंग एक्साइटेड बट यस आई एम काइंड ऑफ लिटिल बिट नर्वस एज वेल। बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ कि हमारे शहर में ऐसा कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है जो किसी के आइडिया के ऊपर फंडिंग करने को तैयार है। आज की डेट में हेल्थ जो है वो सबसे ज़रूरी है, हर किसी को पैसे के साथ अपनी हेल्थ भी चाहिए और हेल्थ को सही रखने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने उसी को लेके कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जिसका नाम मैंने रखा असिस्ट इंडिया। असिस्ट इंडिया मीन्स के असिस्टेंस फॉर इंडिया, कि मैं अपनी कंपनी से कुछ लोगों को हेल्प भी कर सकूँ और उससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकूँ। अब आप पूरा कॉन्सेप्ट बताइए कि आपने नेटवर्किंग कैसे करनी है और कैसे कस्टमर जोड़ने हैं। प्रॉपर अपना वैल्यू एडिशन कैसे करनी है सर? वैल्यू एडिशन कस्टमर की तीन तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स कैसे करते हैं, हम डीएसटी मॉडल के अंदर सेल करते हैं, टैली सेल्स के द्वारा सेल्स करते हैं एंड एडवाइजर मॉडल की तरह करते हैं। आपका सेगमेंट क्या है, कौन सी सेगमेंट को आप ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करते हो? हम लोग सर सीनियर सिटीजन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। थैंक यू हरपाल, वी लाइक योर कॉन्सेप्ट, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, आसानी से अवेलेबिलिटी हो जाए तो हम लोग चेंज कर देंगे। आप तीन बिजनेस मॉडल बन गए ना आपके, मेरा नाम पंकज है और जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है फाइलो, एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि छोटे बिजनेसेस के लिए केटर करेगा, सो दैट लोकेशन बेस्ड कंटेक्चुअल मैसेजेस भेज सकते हैं। सपोज आप लंच टाइम में किसी एरिया में हैं, किसी रेस्टोरेंट के आसपास हैं, उनको ये पता लग जाएगा कि यू आर अराउंड, तो आपको एक स्पेशलाइज कस्टमाइज मैसेज भेज सकते हैं कि आज का स्पेशल ये है। आप जब घर बैठे हैं शाम, SMS और WhatsApp, इट विल बी अ नोटिफिकेशन होगी हमारी ऐप के थ्रू। सपोजिंग आई डोंट वांट टू बी अ कस्टमर, मेरे को कैसे कन्विंस करेंगे दैट यू हैव अ ऐप? उसके अंदर वैसे हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हर हाउस होल्ड में हम आपको 30% कैशबैक देंगे उस चीज़। 30% कैशबैक, दिस कैशबैक विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक वर्चुअल। हाउ विल यू दिस कन्वे टू द कस्टमर, पर्सपेक्टिव कैसे कन्वे करेंगे आप? इसके लिए हमारी मार्केटिंग कैंपेन्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमने ऑलरेडी इसके कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं फॉर मार्केटिंग? सर सबसे बड़ा तो हमारा डिजिटल है, सोशल, फेसबुक वगैरह है एंड गूगल है। आई थिंक वी लव योर कॉन्सेप्ट, इट्स अ गुड आइडिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड कन्वे द सेम टू योर पार्टनर, ब्लेस यू, थैंक यू। मैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन जजेस के सामने देकर आया हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी गई है प्रेजेंटेशन, मेरी तरफ से अच्छा गया। आप देखते हैं जजेस को कैसा लगता है? मैं अभी अंदर से प्रेजेंटेशन देके आ रहा हूँ, पहले जैसे फील कर रहा था कि थोड़ा नर्वस था लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को प्रेजेंटेशन देके, आई हैव डिलीवर्ड माय बेस्ट। और अब कंटेस्टेंट्स की धड़कन बढ़ती जा रही है क्योंकि वक्त आ गया है जजेस को अमृतसर से विजेता चुनने का। अमृतसर के फाइनलिस्ट जो आज हमने अप्रूव किए हैं उनमें से सबसे पहला नाम है पंकज शर्मा जी का चंडीगढ़ से।
आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत खुशी हो रही है. अभी अभी मेरे को रिजल्ट पता लगा है एंड पुणे जाने की बहुत खुशी है. इट्स जस्ट दी बिगिनिंग. अभी और प्रैक्टिसेस करनी है और तैयारी करनी है. बस मेरे को तो सीरियसली विश्वास भी नहीं हो पा रहा कि मैं जीत चुका हूँ. मेरे लिए मेरा हौसला है कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूँ. मेरे लिए हौसला मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ. अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े वही मेरे लिए हौसला है. अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार और बार बार कोशिश करना ही मेरे लिए हौसला है. मेरे लिए मेरा हौसला यही है कि मैं अपने मुकाम को ऊंची ऊंचाई पर पहुंचाऊं. पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है. अभी तो आए हैं हम जमीन पर, आसमां की उड़ान अभी बाकी है. अभी तो जाना है बस आपने, मेरा नाम अभी पहचान बनाना बाकी है. अपने डर का सामना करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उनको सुधारने की कोशिश करना मेरे लिए ही हौसला है. हौसला है कुछ नया करने का जोश, कुछ लोगों की बनाई हुई राहों से अलग अपनी एक राह बनाने की चुनौती, बुलंदियों को छूने की एक आशा. मेरे लिए हौसला दूसरों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को पाना ही मेरे लिए हौसला है. हौसला वो है जो आपको सभी दिक्कतों से के ऊपर से उड़ाता हुआ ले जाए आपकी मंजिल की ओर. मेरा मानना ये है कि हौसला वही है उस काम को करना जिसे दुनिया कहती है कि इम्पॉसिबल है. हरियाणा और पंजाब से 6 फाइनलिस्ट चुनने के बाद हम चलते हैं अगले हफ्ते महाराष्ट्र की तरफ, जहां पर हमारे बिजनेस आइडियाज की खोज जारी रहेगी नागपुर और अमरावती में. तब तक के लिए गुड बाय.